इस टेबल को हटाना पड़ेगा, ये तो बहुत भारी है। फेलिक्स, फेलिक्स, क्या तुम यहाँ आकर मेरी मदद कर दोगे टेबल हटाने में? ये बहुत भारी है, इसे हटाना बहुत मुश्किल है। पापा, पापा, क्या आप हमारी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, थोड़ा हटो। अब सब एक साथ जोर लगाएंगे, एक दो तीन धक्का दो। दादाजी, अकेली माँ से टेबल नहीं हटा, माँ और पापा से भी एक साथ टेबल नहीं हटा, लेकिन जब आप गए तो टेबल हट गया। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है साशा। लेकिन दादाजी, टेबल तो आपके जाने पर ही हटा ना। ठीक है, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले एक शिकारी अपना जीवन चिड़ियों को फंसाकर उन्हें अमीर लोगों को बेचकर चलाता था। कितना अच्छा जाल है, मैं कुछ दाना डालकर चिड़ियों को बेवकूफ बनाता हूँ। हाँ। और फिर मैं शाम को आऊंगा देखने कि मुझे कितनी चिड़िया मिली हैं। कुछ समय बाद कबूतरों का एक झुंड उसके ऊपर से उड़ा। देखो दोस्तों, यहाँ कितने सारे दाने पड़े हैं, चलो यहाँ रुकते हैं। ओ नहीं, ये तो एक जाल था। अब हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम सब मर जाएंगे। शांत, सब लोग शांत हो जाओ, घबराओ मत। देखो दोस्तों, अगर घबराओगे तो तुम और ज्यादा फंसने चले जाओगे। शांत रहो और मुझे सोचने दो। ठीक है, मैंने कुछ सोचा है। जब तुमने अकेले अकेले उड़ने की कोशिश की तो तुम नहीं उड़ पाए, जाल ने तुम्हें पीछे खींच लिया। लेकिन अब कुछ और तरीका अपनाते हैं। ओ, शिकारी आ रहा है। अब वक्त नहीं बचा है, जब मैं तीन तक गिनूं, सबको एक साथ उड़ना होगा। पूरी ताकत से अपने पंख खोलकर, एक दो तीन। ओ नहीं, मेरे कबूतर! अरे ये क्या, वो तो मेरा जाल भी लेकर गए। तो इस तरह कबूतर शिकारी से बच गए। लेकिन दादाजी, कबूतर जाल से बाहर कैसे निकले? ओह, बहुत आसान था। उनकी दोस्ती चूहों के एक झुंड से थी, उन्होंने थोड़े से ही वक्त में जाल काट दिया। कितनी अच्छी कहानी है दादाजी। हाँ, कबूतर ये अकेले अकेले नहीं कर सकते थे, वो बच गए क्योंकि उन्होंने मिलकर काम किया। ओह, इसलिए टेबल हटा पाए, आप तीनों ने मिलकर ऐसा किया। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एकता में शक्ति है। शाइनी, आज तुम्हारी बहन इतनी दुखी क्यों है? माँ, ग्रुप सिंगिंग क्वायर की वजह से। क्यों, क्या हुआ? माँ, सिंगिंग ग्रुप की सभी बड़ी लड़कियाँ बोलती हैं कि मैं अच्छा नहीं गाती हूँ। नहीं साशा, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। मैं जानती हूँ, पर मैं करूँ क्या, मैं छोटी हूँ ना। ठीक है, तो तुम्हें खुश करने के लिए कहानी सुनाती हूँ, सुनोगे ना? ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, जंगल में एक मेमने को नदी किनारे एक बोट मिली। वाओ, ये तो बोट है। ये ज्यादा मजबूत बोट नहीं है, लेकिन ये काफी है। मैं इसे नदी पर घूमने जाऊंगा। अरे वाह मेमने, तुम्हें एक बोट मिल गई है ना? क्या तुम मुझे भी घुमाने ले चलोगे? ले चलो ना प्लीज। नहीं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, ठीक है, तुम बैठ सकते हो।
तो फिर चलो शुरू करते हैं। क्या तुम बोट राइड के लिए जा रहे हो? मुझे भी ले चलो। नहीं ले जा सकते, बोट पहले से ही कमजोर है, ये टूट जाएगी। मान भी जाओ, मेरा कितना वजन है, ले चलो ना। ठीक है, कूद कर आ जाओ। देखा तुमने क्या कर दिया, तुमने बोट को तोड़ दिया। मैंने तुम्हें पहले बोला था ना मैम ने, अब कुछ बोलोगे? वैसे हाँ, चूहे ये बोट तुमने ही तोड़ी है। नहीं रुको, मैं क्यों जाऊँ? मैं छोटा हूँ इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन कमजोर नहीं, समझे तुम? तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तुम बेशक छोटे हो पर तुम्हें डरना नहीं चाहिए। जाओ जाकर उन लड़कियों से बात करो और फिर देखना बदलाव। ठीक है, मैं करूँगी माँ। तो चलो अब हंस दो, मैंने तुम दोनों के लिए कुकीज बनाई हैं। क्यों हंस रहे हो शाइनी और साशा? चलो ना बताओ भी, तुम क्यों हंस रहे हो? दादाजी, तो अपने साइंस टीचर के ऊपर हंस रहे हैं। क्यों? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? दादाजी, वो बहुत ही फनी है। और उनकी नाक ऊपर की तरफ उठी हुई है, बहुत फनी है। बच्चों, तुम्हें इस तरह से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम समझोगे। ये कहानी सुनेंगे। एक बार एक बूढ़ा गधा था जो अपने दो पोतों के साथ रहता था, पोपो और कोको। बच्चों, दरवाजे से बाहर मत जाओ। दादाजी बहुत ही डरपोक है। हाँ, कितने डरपोक है। जब भी वो गुस्सा करने की कोशिश करते हैं, मुझे तब भी हंसी आती है। क्यों? उनके कान देखे हैं? हाँ, कितने फनी है ना। वही तो, तभी सब उन्हें क्लिपी बुलाते हैं, एक गधा वो भी क्लिप्ड कान के साथ। इन टमाटरों का कितना हुआ? जो ठीक लगे दे दो भाई, तुम मेरे पास काफी सालों से आते रहे हो। अरे बच्चों, तुम किस बात पर हंस रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं बताओ मुझे, तुम अपने दादा को देखकर हंस रहे हो ना, बताओ। कुछ नहीं अंकल, सच में कुछ नहीं। हंसने दो भाई, ये अभी बच्चे हैं। नहीं, ये बच्चे नहीं रहे, इन्हें पता होना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादा के कान ऐसे क्यों हैं? क्योंकि ये तब हुआ जब वो तुम्हारी जान बचा रहे थे, समझ गए तुम? वो एक टाइगर था, तुम बहुत छोटे थे, उसने हमारे घर पर हमला किया। जितना मैं लड़ सकता था मैं लड़ा, लेकिन वो तुम्हारे माता पिता को ले गया। मैं मरते मरते बचा, लेकिन मैं उससे लड़ता रहा। और तुम्हारी जान बचा ली, अब तुम्हें इन पर हंसते हुए कैसा लग रहा होगा? तो हमें कभी भी किसी के शरीर की बनावट पर नहीं हंसना चाहिए, हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। ओह, मैं अब से अपनी साइंस टीचर पर कभी नहीं हंसूंगा दादाजी, वैसे वो बहुत अच्छी टीचर है। मैं भी नहीं हंसूंगी दादाजी। हम मूवी देखने जा रहे हैं। लगता है हम जल्दी आ गए हैं, पिछला शो तो अभी खत्म हुआ ही नहीं है। पापा, हमें पॉपकॉर्न दिलाइए ना। हाँ, कैरेमल पॉपकॉर्न। ओके, तुम दोनों यहाँ इन सीट्स पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ।
ये रहा तुम्हारे लिए शाइनी और ये रहा तुम्हारे लिए साशा। ओ नहीं, मेरे पॉपकॉर्न। रो मत, तुम शाइनी के साथ शेयर कर लो। वैसे भी मैंने बड़ा पैक खरीदा है, तुम अपनी बहन के साथ शेयर करोगे है ना? पापा आप उसे दूसरा ला दीजिए ना। ओह अच्छा, तो तुम शेयर करना नहीं चाहते, तो ठीक है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक घने जंगल में दो सुअर भाई रहते थे, पिगू और पिगी। वो एक दूसरे के पड़ोस में ही रहा करते थे। हम दो हैं प्यारे पिग, हम दो हैं प्यारे पिग, हम रहते हैं साथ साथ, हम रहते हैं हमेशा खुश। पर सब कुछ वहाँ ठीक नहीं था। पिगू अमीर था और उसका घर बड़ा था, पिगी गरीब था और उसका घर छोटा था। एक शाम की बात है, बाहर बहुत ठंड थी। पिगू के पास कोट था और पिगी के पास नहीं। पिगी कांपने लगा था। तुम इतना कांप क्यों रहे हो पिगी? मुझे ठंड लग रही है पिगू, क्या तुम अपना कोट शेयर करोगे मुझसे? ये बहुत ही बेवकूफाना आइडिया है, किसी ने आज तक कोट शेयरिंग के बारे में सुना है? चलो हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। उस रात एक भयानक तूफान उस जंगल में आया, वहाँ बहुत बारिश हुई, सब कुछ भीग गया। पिगी को उस दिन ठंड की वजह से बुखार हो गया था, वो बिस्तर पर ही रहा। लेकिन पिगू पर भी एक बड़ी मुसीबत आ गई थी। उसका घर खूबसूरत तो था लेकिन मजबूत नहीं, वो लकड़ी और शीशे का बना हुआ था और वो तेज बारिश में टूटने लगा। मेरा घर, मेरा प्यारा सा घर। मैं जानता हूँ, मैं पिगी के घर चला जाऊँगा, वो मेरी मदद करेगा। पिगी, पिगी, प्लीज दरवाजा खोलो। पिगी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? पिगी, पिगी। क्या हुआ पिगू? पिगी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा घर टूट गया है। ओ नहीं, अंदर आ जाओ, इतनी भारी बारिश में मत खड़े रहो, तुम भीग जाओगे और बीमार हो जाओगे। तुम कितने अच्छे हो पिगी, मैंने तो बल्कि तुम्हारे साथ कोट भी शेयर नहीं किया था और तुम अपना घर शेयर कर रहे हो। चलो अंदर आ जाओ, कल जब तूफान रुक जाएगा तुम्हारा नया घर बनाएंगे, भाई तो इसीलिए होते है ना। और इस तरह से पिगू ने शेयरिंग की इम्पोर्टेंस सीखी कि बांटने से प्यार बढ़ता है। ये लो, मेरे पॉपकॉर्न में से ले लो साशा। बहुत अच्छे, अब चलो अंदर चलते हैं और मूवी देखते हैं। आज बहुत दिनों के बाद हम पार्टी के लिए जा रहे हैं फेलिक्स, आज तो बहुत मजा आएगा। हाँ, मैंने सुना है कि आज वहाँ बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलने वाला है। खाना? मुझे कुछ भी नहीं खाना है। क्यों? क्या हुआ शाइनी? पापा, शाइनी ने आज दोपहर बहुत सारे जैम और चीज सैंडविचेस खा लिए थे। जैम और चीज सैंडविचेस? कब? मैंने तो इसे कुछ नहीं दिया, इसने अपने लिए खुद ही बनाए। माँ, कितने खाए थे तुमने? चार। चार सैंडविचेस? इतने ज्यादा? तभी तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। पेट दर्द कोई बड़ी बात नहीं है, यही पास ही एक डॉक्टर का क्लिनिक है, वहाँ से इसके लिए कोई दवाई ले आते हैं, ये तो 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। वैसे तुम अब थोड़ा ठीक लग रहे हो, अब पार्टी में थोड़ा आराम से खाना। आप हंस क्यों रही है माँ? इस बात से मुझे एक फनी कहानी याद आ गई। कौन सी? चलो मैं तुम्हें चलते चलते सुनाती हूँ। ये कहानी सुनेंगे। एक लोमड़ी थी जो बहुत लालची थी, वो अपना पूरा दिन खाना ढूंढने में लगा देती थी
चाहे उसे भूख भी न लगी हो। एक दिन खाना ढूंढते हुए वो एक पुराने पेड़ के होल के पास पहुंची। ओह, इस होल में जरूर कुछ है, मैं इसे सूंघ सकती हूँ। वाह, यहाँ शायद खाना रखा है। और वहाँ सच में खाना था। एक दिन पहले एक शिकारी अपना लंच बॉक्स उस पेड़ के होल में भूल गया था। कितनी अच्छी किस्मत है, इंसानों का खाना टेस्टी होता है। ओ, मैं तो इसे बिना रुके ही खाती चली जा सकती हूँ। यहाँ तो बहुत सारा खाना है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन है। आखिरकार ये खत्म हुआ, क्या दावत थी। अब मैं घर जाकर लंबी नींद लूंगी। ओ नहीं, मैं तो फंस गई। और तभी शिकारी अपना टिफिन बॉक्स ढूंढते हुए वहाँ आ पहुँचा। वाह, यहाँ एक लोमड़ी फंस गई है। कितनी अच्छी खाल है इसकी, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। तो शिकारी ने उस लोमड़ी को पकड़ लिया और उसकी खाल को बेच दिया। दर्द भरी कहानी, लेकिन फनी भी। मुझे समझ आ गया माँ, हमें जितनी जरूरत है उतना ही खाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी कहानी थी और एक अच्छा सबक भी, लेकिन अब हमें अंदर चलना चाहिए और पार्टी का मजा लेना चाहिए। ये! ये! माँ, अगले हफ्ते हमारी क्लास में ड्राइंग कंपटीशन है। अच्छा, तो आज शाम से ही इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन माँ, ये जरूरी नहीं है। मैम ने कहा है कि जो लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो ही आएं। तो क्या तुम इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते? उसका क्या फायदा माँ, हम दोनों की ड्राइंग बहुत ही खराब है, हम जीतेंगे ही नहीं। और ये तुमसे किसने कहा? जीतने और हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेहनत करो। लेकिन माँ। कोई बहाना नहीं, इधर आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा। ये कहानी सुनेंगे। एक जंगल में एक छोटी सी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। उस चिड़िया का नाम था टाइनी। टाइनी बहुत छोटी थी और चुलबुली भी, लेकिन एक ऐसी बात भी थी जिससे टाइनी खुश नहीं थी। क्या हुआ टाइनी? कुछ नहीं। आह, मैं समझ गई, तुम फिर से चील के कारण दुखी हो रही हो, है ना? माँ, बताइए ना, मैं इतनी छोटी क्यों हूँ? मैं चील जितना ऊंचा कभी क्यों नहीं उड़ सकती? टाइनी, टाइनी, मैं तुम्हें अक्सर बोलती हूँ कि इसके बारे में मत सोचा करो। प्रकृति ने हम चिड़ियों को चील से अलग बनाया है, तुम सिर्फ अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचो। लेकिन माँ। ठीक है, मेरे साथ आओ। अरे ये क्या है माँ? मेरी प्यारी टाइनी, ये एक जादुई पेड़ है। अगर तुम चील की तरह उड़ना चाहती हो तो इसका फल तुम्हारी मदद कर सकता है। सच में? तुम्हें बस इतना करना है कि जब भी तुम्हें चील दिखाई दे, तुम्हें बस एक बेरी खानी है और तब जितना ऊंचा उड़ सको उड़ जाना। ठीक है टाइनी? बस इतनी सी बात? क्या मैं भी कभी चील के जितना ऊंचा उड़ पाऊंगी? हाँ, सिर्फ एक महीने में, तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। वाह, मैं ये जरूर करूंगी। महीना पूरा हो जाएगा, मैं ये कर पाऊंगी ना, है ना? हाँ ऐसा होगा, तुम विश्वास रखो। ओह, ये रही चील, मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं बहुत ऊंचा उड़ूंगी, बहुत ऊंचा। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है टाइनी।
झूठ क्यों बोला? मैं चील के आसपास भी नहीं पहुंच पाई और फल बिल्कुल बेकार है। तुम्हें सच में लगता है कि ये बेकार है टाइनी? तुम एक महीने पहले का सोचो, तुम एक फुट ऊपर तक भी नहीं उड़ सकती थी और अब तुम उस नारियल के पेड़ से भी ऊपर उड़ रही हो। क्या तुम्हें जादू दिखाई नहीं दे रहा? ये मैंने किया? हाँ, ये तुम्हारी ही सफलता है। तुमने अपने आप को अच्छा बनाया है। प्रतियोगिता में हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता है टाइनी। वाह, मैं सच में नारियल के पेड़ से भी ऊंचा उड़ गई। तो यही एक कॉम्पिटिशन का मकसद होता है शाइनी साशा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हारो या जीतो, बस वो तुम्हें हर बार और बेहतर बनाता है। तो अब तुम ड्राइंग कंपटीशन में जाओगे ना? हाँ माँ। आज रात कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम्हारे अंकल और आंटी घर आ रहे हैं। वाह, आपने केक बनाया है। अब देखना साशा, माँ केक को चेरी से सजाने वाली है। नहीं बच्चों, आज केक पर कोई चेरी नहीं लगेगी। तुम्हारे अंकल चेरी नहीं खाते। पर ये तो ठीक नहीं है, ये तो हमारा केक है। ये ठीक नहीं है बच्चों। जब घर पर मेहमान बुलाते हैं तो हमें उनके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, समझ गए? हाँ। ठीक है, जाओ वहाँ बैठो, मैं कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी सुनेंगे। बहुत पहले एक फॉक्स और स्टॉर्क पड़ोसी की तरह जंगल में रहते थे। वो एक दूसरे को ज्यादा परेशान भी नहीं करते थे, लेकिन फॉक्स बहुत चालाक थी। वो दूसरों के साथ चालाकियां करती थी। एक दिन उसने स्टॉर्क को परेशान करने का सोचा। हेलो मिस स्टॉर्क, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मिस फॉक्स, आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। असल में मैं आपको अपने घर पर इनवाइट करने के लिए आई हूँ। बहुत बढ़िया, मुझे आज तक किसी ने इनवाइट नहीं किया, पर ओकेजन क्या है? मेरे जन्मदिन पर। मेरे सभी जानने वाले वहाँ होंगे, क्या आप आएंगी? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पक्का आऊंगी। जरूर आना, मैंने चिकन सूप बनाया है। फॉक्स इस पार्टी के लिए बड़ी तैयारी कर रही होगी, अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए। हेलो मिस फॉक्स, हैप्पी बर्थडे। ओह, आने के लिए शुक्रिया मिस स्टॉर्क। अंदर आ जाइए, डिनर तैयार है। सच में खुशबू तो बहुत अच्छी है, चलो चलते हैं। शुक्रिया मिस फॉक्स इस सब के लिए। ओह, अब रुकिए मत मिस स्टॉर्क, ये रहा सूप, हम दोनों के लिए गर्मा गर्म तैयार। मैं इंतजार नहीं कर सकती, चलिए पीते हैं। इस चालाक फॉक्स ने मुझे बेवकूफ बनाया है, मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना। कुछ दिनों बाद स्टॉर्क का जन्मदिन था। ओह हेलो मिस स्टॉर्क। हाय, मैं आपको अपनी बर्थडे पार्टी के लिए यहाँ इनवाइट करने आई हूँ, मेरे कुछ रिश्तेदार और आप। अगर आप आएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। स्टॉर्क कितनी बेवकूफ है, मैंने इसे इतना बड़ा बेवकूफ बनाया तब ये यहाँ आई है। ओके, इस बेवकूफ से थोड़ा और मजा लिया जाए। ओह जरूर, बहुत ही खुशी से मैं आऊंगी। आप कितनी अच्छी हैं कि आपने मुझे इनवाइट किया। कब है वैसे? अभी एक घंटे में। उम्मीद करती हूँ कि आप बिजी नहीं होंगी। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। तब तो ठीक है, जल्दी आइएगा, मेरी बहन चिकन सूप बना रही है और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज तो बहुत ही बढ़िया दावत होगी और मैं शेर की तरह भूखी भी हूँ। वाह, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आइए आइए, सूप बिल्कुल तैयार है। कितनी अच्छी खुशबू है,
इस सूप की खुशबू तो मेरे घर तक आ रही थी सच में। ये रहा आपका सूप मिस फॉक्स, जरूर आपको अच्छा लगेगा। क्या हुआ मिस फॉक्स? चालाक स्टोक। अच्छा होगा अगर मैं बड़ी बेवकूफ बनने से पहले ही निकल जाऊं। ओह मिस स्टोक, मुझे याद आया कि मैं स्टोव पर कुछ रखकर भूल गई हूँ। मैं अभी घर जाकर बंद करके आती हूँ। एक्सक्यूज मी बट मिस फॉक्स, क्या आप सूप नहीं पियेंगी? तो अगर हम अपने मेहमानों के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो हमारे बारे में क्यों सोचेंगे जब हम उनके घर जाएंगे? वाह, अच्छी कहानी और बढ़िया डिनर। तो अच्छा चलो अब आकर मेरी मदद करो, जैसे ही तुम्हारे अंकल आ जाएंगे हम मजे से डिनर करेंगे। आज का दिन बहुत ही बिजी था। फ्यू, अच्छा हुआ कि खत्म हो गया। पापा, मैं आपका दोपहर से इंतजार कर रहा था। क्यों शाइनी, कुछ खास बात है? हाँ पापा, मुझे डिक्टेशन टेस्ट में 10 में से 10 मिले हैं और साशा की 4 स्पेलिंग्स गलत हो गई। शाइनी ठीक है, पर तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बहन ने गलत लिखा, वो और मेहनत करेगी। पर पापा ने बर्गर का प्रॉमिस किया था, अगर फुल मार्क्स आए तो। मेरे आए हैं, मुझे बर्गर्स मिलेंगे और साशा को नहीं। दूर हटो, मुझे तुम्हारे बर्गर्स नहीं चाहिए। पर पापा तो बर्गर्स दिलाएंगे। क्यों? बर्गर्स तो तुम्हारे फेवरेट है ना? नहीं, मुझे नहीं पसंद, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम दोनों अब झगड़ना बंद करो, तुम दोनों को ही बर्गर्स मिलेंगे। लेकिन नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें चाहिए साशा, ये तुम्हें पसंद है। आप हंस क्यों रहे हैं पापा? इससे मुझे एक कहानी याद आ गई, बस इसीलिए। क्या तुम बर्गर्स खाने से पहले ये सुनना पसंद करोगे? ये कहानी सुनेंगे। एक बार जंगल में बहुत दूर एक लोमड़ी रहती थी जिसे अच्छी अच्छी चीजें खाना पसंद था। वो बहुत बड़ी लालची थी और हमेशा टेस्टी खाना ढूंढती रहती थी। एक दिन उसे अंगूरों के गुच्छे पेड़ पर लटके हुए दिखे। कितने अच्छे अंगूरों के गुच्छे हैं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुझे इन्हें खा कर देखना चाहिए, अंगूर तो मेरे हो। बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन इतने अच्छे अंगूर खाने के लिए मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये तो कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पर है, मुझे थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। ये अंगूर इतनी ऊंचाई पर क्यों हैं? मुझे ये अंगूर नहीं चाहिए, वैसे भी अंगूर खट्टे होते हैं। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं हंस क्यों रहा था। हाँ, लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं क्योंकि वो उन्हें तोड़ नहीं पाई थी। ऐसा ही होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो चीजें हमें मिल नहीं पाती उसके बारे में हम गलत ही बोलते हैं। क्या ऐसा ही है साशा? तो ठीक है, साशा अगली बार और अच्छा काम करेगी, लेकिन फिलहाल कम ऑन, सब तैयार हो जाओ, हम बर्गर्स खाने जा रहे हैं। कैसे हो बच्चों, ये तुम क्या खेल रहे हो? ओ स्कूल, एकदम से स्कूल में दिलचस्पी कैसे आई शाइनी? दादाजी, शाइनी को क्लास का मॉनिटर बनाया गया है। ओ मॉनिटर, बहुत बढ़िया शाइनी, तुम बहुत अच्छे मॉनिटर बनोगे। हाँ दादाजी, और सबसे अच्छी बात है कि क्लास में सब मुझसे डरेंगे। तुमसे डरेंगे? पर क्यों? क्योंकि मैं मॉनिटर हूँ ना, सब मुझसे डरेंगे, क्योंकि अगर कोई गलती करेगा तो मैं उनकी शिकायत टीचर से कर दूंगा। ओह, मुझे लगता है कि तुम्हें ये कहानी सुननी चाहिए बच्चों, क्या तुम्हारे पास वक्त है? ठीक है तो बैठ जाओ। ये कहानी
कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वो जंगल का राजा था और सभी उससे डरते थे। और इसी शेर का एक सबसे अच्छा दोस्त था और वो दोस्त था एक बिल्ला। शेर उसका ख्याल रखता था। असल में सारे जंगल में एक बिल्ला ही था जो उस शेर से नहीं डरता था। वो बिल्ला शेर के साथ शिकार पर जाता और जब सारे जानवर डर कर भागते तो वो बहुत खुश होता और उन पर हंसता। ये जानवर मुझसे कितना डरते हैं, मैं बिल्कुल जंगल की राजा की तरह ही हूँ। हाँ तुम बिल्कुल हो, तुम राजा के सबसे अच्छे दोस्त हो। आज हमें थोड़ा काम करना है। भेड़िये जंगल में घुस आए हैं और हमें उन्हें दूर भगाना होगा। पक्का? चलो अभी चलते हैं। वो रहे भेड़िये, चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। भेड़ियों भाग जाओ, इस जंगल को अभी खाली कर दो। हाँ इस जंगल को अभी खाली कर दो। चलो चलते हैं, शेर बहुत गुस्से में है। हाँ चलो जल्दी से भाग चले। मैं सच में ताकतवर हूँ, मैंने भेड़ियों को भी दूर भगा दिया। बिल्ला सोचने लगा कि वो बहुत बहादुर है, लेकिन असल में जानवर तो शेर से डरते थे। ओ दोस्त प्लीज शेर को जगा दो, भेड़िये दोबारा से हमला कर रहे हैं, वो मेरे एक दोस्त को मार चुके हैं। मैं अकेले इस काम को कर सकता हूँ, शेर को क्यों जगाना है। हिरन तुम जा सकते हो, डरो मत, मैं देखता हूँ कि क्या करना है। ये हैं हमारे दुश्मन। भेड़ियों रुक जाओ, मैं तुम्हें इस जंगल से दूर जाने का हुक्म देता हूँ। ये कौन बच्चा है, तुमने हमें हुक्म देने की हिम्मत कैसे की? तो चलो आओ इसे सबक सिखाए। नहीं रुको, नहीं। काश कि तुमने ये बात समझी होती कि जानवर मुझसे डरते थे, तुमसे नहीं मेरे दोस्त, तो ऐसा नहीं होता। ओ मेरे प्यारे दोस्त, तो तुमने देखा शाइनी, तुम अपनी टीचर की ताकत को अपनी ताकत मत समझना। मैं ऐसा नहीं करूंगा दादाजी, मैं इस कहानी को हमेशा याद रखूंगा। हाँ क्यों नहीं, और क्या अब मैं तुम्हारे स्कूल में स्टूडेंट हो सकता हूँ? जी जरूर दादाजी। क्यों दिया बच्चों? माँ कौवे बहुत गंदे होते हैं, उनकी आवाज भी गंदी होती है। लेकिन ऐसा कहना अच्छी बात नहीं है साशा, तुम्हें सिर्फ किसी को देखकर कुछ नहीं बोलना चाहिए। पर क्या ये सच नहीं है माँ? नहीं ऐसा नहीं है, कौवे खूबसूरत पंछी है, जरा पास से देखो उन्हें, देखो कितने चमकदार पंख और चोंच है उनकी, उनकी आंखें कितनी सुंदर होती हैं। माँ लेकिन कल मैंने एक कौवे को सड़क पर चूहा खाते हुए देखा था, वो बहुत गंदा था। लेकिन वो उनका स्वभाव है, भगवान ने उन्हें ऐसा ही बनाया है, इसमें उनकी गलती नहीं है। अच्छा मैं एक कहानी सुनाती हूँ, तब तुम समझोगे कि कौवे कितने समझदार होते हैं। बच्चों कितनी गर्मी है, वाह वहाँ थोड़ा पानी है उस मटके में, जैसा कि मुझे चाहिए इस गर्मी में। आखिरकार मेरी प्यास बुझ जाएगी। ये क्या, मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला, और यहाँ पर पानी मिला पर मैं पी नहीं सकता, कितनी खराब किस्मत है।
अब अगर मुझे जल्दी ही पानी नहीं मिला तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। समझ गया, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। समझदार कौए ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसने अपनी जान बचाई। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है माँ, मुझे नहीं पता था कि कौए इतने समझदार हो सकते हैं। वो हैं, और एक और सीख भी मिलती है, जब हम किसी परेशानी में हैं, तो हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए क्योंकि परेशानी का हल बिल्कुल सामने हो सकता है। माँ जल्दी से मुझे एक और ब्रेड दो ना। अच्छा ये लो। देखा, तुमने नया दोस्त बना लिया और वो भी एक समझदार दोस्त। दादाजी क्या हम एक मोर पाल सकते हैं? लेकिन तुम मोर क्यों पालना चाहते हो बेटा? दादाजी क्योंकि उस मोर को देखिए, वो कितना सुंदर डांस करता है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे घर में भी मोर ऐसे ही नाचेगा? हाँ क्यों नहीं। ओह, तो शायद तुमने पिंजरे में बंद बुलबुल की कहानी नहीं सुनी है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये कहानी सुनेंगे। बहुत पहले की बात है, एक बुलबुल एक जंगल में रहती थी। कोई भी उसे देख नहीं पाता, लेकिन हर रात वो उसके खूबसूरत गीत सुन पाते थे। यहाँ तक कि शेर जंगल का राजा वो भी उसके गानों को पसंद करता था। ये पक्षी कितना सुंदर गाती है, सच में ये पक्षियों का राजा है। और एक राजा को एक महल में रहना चाहिए, ना कि जंगल में। ये हम कैसे कर सकते हैं राजा? आज तक किसी ने भी इस बुलबुल को नहीं देखा है। ये नहीं हो सकता। जाओ उल्लुओं को भेजो, वो भी रात के पंछी हैं। वो इस पंछी को थोड़ी देर में ही ढूंढ कर ले आएंगे। जी राजा जी। और जब उसे पकड़ लो तो उस बुलबुल को महल में ले आना। और इस तरह से शेर ने उल्लुओं को इस बुलबुल को पकड़ने के लिए जंगल में भेज दिया। कुछ रात ढूंढने के बाद आखिरकार बुलबुल को पकड़ लिया गया, उसे बंदी बना लिया गया। और वो उसे पकड़ के एक सोने के पिंजरे में शेर के पास लेकर आए। जानवरों, आज से ये पक्षी महल में ही गाएगा, ना कि जंगल में। एक महल ही इसके रहने की सही जगह है। सेनापति, पक्षी को गाने के लिए कहो। आ,
पक्षी गाओ, मैं तुम्हें गाने का हुक्म देता हूँ। राजा तुम्हें हुक्म देते हैं। पक्षी, अगर तुमने नहीं गाया तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। शेर राजा, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शुक्रिया शेर राजा, मैंने इस जंगल में काफी साल बिताए हैं और जानता हूँ कि सभी जानवर अपनी असली कला खुले वातावरण में ही दिखा सकते हैं। वो वहीं गा सकते हैं। अगर उन्हें वहाँ से निकाल लिया जाए तो वो नहीं कर पाते। ये आपके हुक्म का उल्लंघन नहीं है, ये इनका स्वभाव है। तुम कहना क्या चाहते हो? ये बुलबुल गा नहीं सकती क्योंकि ये एक पिंजरे में है। अगर इसे जंगल में खुला छोड़ देंगे तो ये फिर से गाने लगेगी। आखिरकार राजा मान गया, बुलबुल को छोड़ दिया गया और वो जंगल में फिर से कई सालों तक गाती रही और जानवर उसके मधुर गीत सुनते रहे। तो तुमने देखा, हमें किसी कलाकार के काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ दादाजी, मैं यही आऊँगा जब भी मुझे मोर को नाचते हुए देखना होगा। क्या हम फिर से अगले हफ्ते आ सकते हैं? शाइनी, तुम्हारे ये नए दोस्त कौन हैं? वो है जॉन और रॉजर और सभी बड़े लड़के। पापा, वो लोग बहुत गंदे हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। ओ, थोड़ा ध्यान से रहना शाइनी। लेकिन मैं हूँ, मैं कोई शरारत नहीं करता, चाहे वो करे या नहीं। ये खतरनाक है, समझे? शायद एक दिन तुम भी पकड़े जाओ। कैसे पापा, मैं तो कुछ भी नहीं करता। तब तो तुम्हें ये कहानी सुननी चाहिए। ये कहानी सुनेंगे। बहुत पहले एक छोटा सा मेमना रहता था जिसका नाम था ल्यूक। ल्यूक बहुत ही मासूम था और वो पूरे दिन अपने भाई जॉर्ज के साथ इधर उधर खेलता रहता। लेकिन वो अकेला था इसलिए वो फार्म के बड़े बड़े कुत्तों को अपना दोस्त बना लेता। ओ, मेरे दोस्त आ गए, मुझे जाना है जॉर्ज। क्या तुम आज भी उन कुत्तों के साथ जाओगे ल्यूक? हाँ बिल्कुल, ये सभी मेरे दोस्त हैं। लेकिन ल्यूक, ये सभी बहुत बड़े और खतरनाक दिखते हैं, ये तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं और नुकसान भी। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो विलम, चलो आज पड़ोसियों के बाग में चलते हैं। हाँ, हमने सुना है कि उसके स्टोर में बहुत सारा खाना है, आज तो हमारी दावत हो जाएगी। हम वो खा पाएंगे जो हम चाहेंगे, तुम भी इस दावत का मजा ले सकते हो लैम। कितना मजेदार होगा, मेरे कुत्ते दोस्त सबसे अच्छी चीजें करना जानते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं चलूंगा, चलो चलें। ओ, क्या दावत है सच में। चलो भीलाम, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? इन कुत्तों को ये खाना खाने देता हूँ, मैं अपने लिए कुछ और ढूंढ लेता हूँ। हाँ ये है ना कुछ मेरे खाने लायक। चोर, वो रहे चोर। पकड़ लो उन्हें, आज हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारा कीमती मीन चुराया, हिम्मत कैसे हुई? वहाँ पर एक और है, वो भी चोर होगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने तो मीट भी नहीं खाया, मैं तो बस। तो इस तरह बेचारे मेमने को अपने दोस्तों के बुरे कामों की सजा भुगतनी पड़ी। ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक है। ये ऐसा ही होता है, तुम अपने दोस्तों की वजह से जाने जाते हो, तो ध्यान रखना। मैं ध्यान रखूंगा पापा। Thank you.
दादाजी देखिए क्या हुआ, मेरी घड़ी टूट गई। बस इतना ही? ये तो छोटी सी बात है, हम नई घड़ी खरीद लेंगे। नहीं, मुझे यही चाहिए, ये घड़ी मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें अपनी नई घड़ी भी पसंद आएगी। चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनेंगे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, एक भंवरा एक घर में घुस गया। कितना बड़ा घर है, वाओ, ये क्या है? वाओ, मैंने ऐसा फूल कभी भी नहीं देखा है। ओह, ये कमाल का है, मैंने सोच लिया है, मैं अपना घर इस खूबसूरत फूल में बनाऊंगा। इस तरह भंवरे ने अपना घर उस फूल में बना लिया। वो उस पीली रोशनी का मजा लेता रहा जो उन कोमल पंखुड़ियों से निकल कर आती थी, और वो उन कोमल पंखुड़ियों पर सोता था। लेकिन कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती है ना? ओ नहीं, मेरे सुंदर घर को क्या हो रहा है? मेरा फूल, मेरा घर। ओह, ये फूल तो अब सड़ गए हैं, इन्हें अब डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। मेरा घर बर्बाद हो गया। और उस दिन के बाद से भंवरा दुखी दुखी रहने लगा। उसे अपने घर से इतना लगाव हो गया था कि वो उस जगह से जाना ही नहीं चाहता था। ओ, तुम यहाँ हो? पूरा दिन से तुम कहाँ थे? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। चले जाओ। तुम्हें क्या हो गया है ये? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारा कुछ खो गया है तुम्हें उससे बड़ा और बेहतर मिल जाएगा। इसे कुछ भी नहीं पता, मुझे मेरा घर कभी वापस नहीं मिलेगा। वाह, कितनी बेहतरीन सुबह है, नए फूल लाने का वक्त हो गया है। हाँ, ये क्या, ये तो मेरे पिछले वाले घर से भी बहुत अच्छा है, मेरा नया घर। तो तुमने देखा, अगर तुम्हारा कुछ तुमसे दूर चला जाता है तो उसकी जगह नई और बेहतर चीज आ जाती है। सच में दादाजी? बिल्कुल। चलो अब चलकर तुम्हारे लिए नई घड़ी खरीदी जाए। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं दादाजी। हाँ शाइनी, आज मुझे बहुत काम करना पड़ गया। बहुत सारा काम दादाजी? हाँ बहुत सारा काम। लेकिन दादाजी आप इतना काम क्यों करते हो, इस उम्र में अब आपको आराम करना चाहिए। मैं इतना भी बूढ़ा नहीं जितना तुम सोचते हो, मैं अभी कुछ साल और काम कर सकता हूँ। लेकिन दादाजी, तुम्हारी इस बात ने मुझे एक कहानी याद दिला दी, क्या तुम सुनना पसंद करोगे? ये कहानी सुनेंगे। ये एक पास के गांव के खेत की बात है। किसी समय वो खेत बहुत हरा भरा था और उसमें बहुत फसल उगा करती थी। वो खेत एक बहुत ही मेहनती किसान का था। खेती के मौसम में वो बहुत फसल उगाता था और इसी मेहनत की वजह से उसने बहुत सारा पैसा भी कमाया और एक अमीर आदमी बन गया। लेकिन खेत में कोई था जो खुश नहीं था, और वो था एक केंचुआ जिगली। ये तो बहुत ही गलत है। क्या गलत है जिगली? वो किसान क्या करता है, हम सारा काम करते हैं। तुम्हें पता है अगर हम मिट्टी में छेद नहीं करेंगे तो क्या होगा, पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा और बिना पानी के फसल खराब हो जाएगी। तुम कहना क्या चाहती हो जिगली? तुम्हें पता है वो हमें क्या बुलाते हैं, किसानों का दोस्त, क्योंकि हम मिट्टी को उपजाऊ रखने में मदद करते हैं। तो तुम चाहते क्या हो? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हम किसान के लिए कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं और वो हमारी इज्जत भी नहीं करता, अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो भाइयों, यही है मेरी पूरी बात, ये किसान हमारा इस्तेमाल कर रहा है,
लेकिन हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। हम कर भी क्या सकते हैं? बताता हूँ, जब कोई अपने मालिक से खुश नहीं होता तो वो काम करना बंद कर देते हैं। वो इसे हड़ताल कहते हैं। हड़ताल? हाँ, फसल का अगला मौसम शुरू होने वाला है। चलो काम बंद करें, फिर देखते हैं कि किसान क्या करता है। तुम्हें यकीन है? तुम मेरे साथ हो या नहीं? और इस तरह से वो केंचुए घंटों बातें करते रहे और आखिरकार उन्होंने जिगली का विचार आगे रखा और हड़ताल करने का फैसला किया। अगले ही दिन से उन्होंने काम करना बंद कर दिया। रुक जाओ, कुछ दिन के लिए इंतजार करो। दोस्तों, अभी मिट्टी में बिल मत बनाओ। इस साल मिट्टी को क्या हो गया है? ये इतनी सख्त क्यों होती जा रही है? देखा, मैंने बोला था ना, किसान को इससे जरूर फर्क पड़ेगा। काश कि ये हड़ताल जल्दी खत्म हो जाए, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हो जाएगी, बस थोड़ा इंतजार करो, हो जाएगी। मैं तो बीज भी पहले ही ले आया हूँ, लेकिन इस मिट्टी को क्या हो गया? ये क्या है? मुझे लगता है कि ये मिट्टी बंजर हो गई है। मुझे ये बीज दूसरे खेतों में लगाना होगा। अब ये खेत किसी काम का नहीं। कुछ भी नहीं हुआ जिगली, किसान तो जा रहा है। वो वापस जरूर आएगा। वो नहीं आएगा, उसके पास दूसरे खेत हैं, वो वहाँ चला जाएगा। हम तो बर्बाद हो गए, हमारे बहुत सारे दोस्त पहले ही मर चुके हैं। हमारे घर हमें पानी और खाना देते थे, बिना पानी और खाने के हम मर जाएंगे। तो चलो हम दूसरे खेत में चलते हैं। हम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे, वो हमसे बहुत दूर है। और अगर हम वहाँ पहुँच भी गए तो दूसरे केंचुए हमें वहाँ घुसने नहीं देंगे। ओह, मुझसे तो कितनी बड़ी गलती हो गई। तुमने देखा बच्चों, ये एक दुखद कहानी है, लेकिन ये हमें सिखाती है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। हाँ दादाजी। अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और आखिर में हमें ही दुख उठाना पड़ेगा। हाँ, आलसी लोग उन बेवकूफ केंचुओं की तरह होते हैं। बिल्कुल, लेकिन हम आलसी नहीं हैं। तो चलो हम सब मिलकर अपना अपना काम करते हैं, और तुम्हारे काम से मतलब है तुम्हारे स्कूल का काम। आधे घंटे में शुरू होने वाला है, मैं अपनी टीम का कैप्टन हूँ। तो हाँ, मुझे पता है तुम्हारी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने चार्ली को क्यों नहीं लिया? चार्ली? पापा, क्या मजाक है? क्यों शाइनी, इसमें मजाक जैसा क्या है? आपने देखा है चार्ली को, वो कितना पतला है। लेकिन क्रिकेट खेल मजबूती का ही नहीं है, चार्ली योजना बनाने में बहुत अच्छा है। पापा, आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, जैसा कि तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें जल्दी से एक कहानी सुनाऊं? ये कहानी सुनेंगे। एक बार एक जंगल में एक हिरनी अपने प्यारे से बच्चे के साथ रहती थी, लेकिन कुछ समय बाद ही हिरनी बीमार हो गई। तो उसने अपने बच्चे को अपने भाई के पास भेजने का फैसला किया, जो पास के ही जंगल में रहता था। लेकिन परेशानी ये थी कि वो जंगल बहुत खतरनाक और अंधेरे से भरा था। वहां पर सभी तरह के जंगली जानवर रहा करते थे। उस छोटे से हिरनी के बच्चे को जंगल की दूसरी तरफ कौन लेकर जाता? फिर हिरनी ने बैल के बारे में सोचा, जो उसके बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त था। बोलो बहन, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? भाई बैल, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे को जंगल की दूसरी तरफ ले जाओ, मेरे भाई के पास। तुम बहुत ताकतवर हो, तुम ये काम पक्का कर पाओगे। मैं? लेकिन मैं तो वहाँ पहले कभी नहीं गया। प्लीज भाई, मैं सिर्फ तुम्हें ही जानती हूँ। मेरे मरने से पहले मैं अपने बच्चे को सुरक्षित हाथों में देखना चाहती हूँ, प्लीज भाई। ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो, लेकिन मैं कल सवेरे ही निकलूंगा, ताकि हम सवेरे जंगल को रोशनी में ही पार कर सकें। ठीक है? ठीक है, मैं फोन को तैयार रखूंगी। क्या मैं भी चल सकता हूँ? तुम पर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? ओ,
ओ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ और मैं फोन का भी ध्यान रखूंगा। मैं भी तो फोन का दोस्त हूँ, मैं भी चलूंगा। ठीक है, तो कल सूरज निकलने से पहले तैयार रहना। चलता हूँ माँ। ठीक है बच्चे, मेरे बच्चे, खुश रहना। खरगोश, तुमने ये क्यों कहा कि तुम फोन के सबसे अच्छे दोस्त हो? फोन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? ये कैसे बता सकता है? क्या तुम इसकी तरह कमजोर जानवर को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहते हो? मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकता हूँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। क्या हुआ बोल? अलविदा फोन, और मुझे माफ कर देना। खुश रहना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? ओ फोन, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे परिवार के और भी हिरणों का झुंड उन पेड़ों के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो जल्दी आओ। ओ, हिरणों का झुंड, ये तो दावत ही हो जाएगी मेरी। ये पतला दुबला हिरन का बच्चा, इसका क्या करूंगा मैं? शुक्रिया खरगोश, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो देखा तुमने, हमेशा शक्तिशाली होना ही अच्छा नहीं होता, दिमाग भी चाहिए होता है। ओह, मैं समझ गया, अगली बार पक्का मैं चार्ली को अपनी टीम में रखूंगा। ये तो बहुत ही बेकार गेम था। हाँ मैंने देखा, तुमने आखिरी ओवर बिल्कुल नहीं खेला। क्या फायदा दादाजी, हमें बहुत सारे रन चाहिए थे। सिर्फ 19 रन चाहिए थे, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए थी। वो बिल्कुल नामुमकिन था दादाजी। लेकिन तुमने हार मान ली, ये गलत बात है। तुमने मुझे उन चींटियों की याद दिला दी। चींटियां दादाजी? हाँ, क्या तुम उनकी कहानी सुनना चाहोगे? ये कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले एक चींटियों का झुंड एक एंट हिल में रहता था। ये एक बहुत बड़ा झुंड था और उसमें कई सौ चींटियां एक साथ खुशी खुशी रहती थीं। वो एक दूसरे की मदद करती थीं और इसीलिए उनका झुंड और मजबूत होता जा रहा था। और एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई। बारिश का पानी उनके घरों में घुस गया था। ओ नहीं, हम बर्बाद हो गए, ये पानी हमारे सभी घर में घुस रहा है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, भाग जाओ, जितनी दूर जा सको चले जाओ। क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो जॉनी? यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, देखो जमीन पर पानी ही पानी है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? ओह, हम पक्का डूब जाएंगे। लेकिन यहाँ से निकलना तो पड़ेगा ही। नहीं, यही रहो, मैं उस रास्ते नहीं जा सकता जहाँ मौत पक्की हो। मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो करो, मैं दूसरों के साथ जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरे दोस्तों ने हार ना मानी होती तो वो आज मेरे साथ होते। तो तुमने देखा, हार मानने से किसी को कोई फायदा नहीं होता, हमें आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहनी चाहिए। अब मैं समझ गया हूँ दादाजी, कल के मैच में मैं जीत कर दिखाऊंगा, आप देख लेना।
क्या हुआ शाइनी? कुछ समझ नहीं आ रहा, ये गेम नहीं चल रहा। क्या तुम इसे चला सकते हो? मैं कोशिश करता हूँ लेकिन पता नहीं। ठीक है, तब मैं अपने घर जा रहा हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी। मैं भी जा रहा हूँ। लेकिन रुको, हम कुछ और खेल लेते हैं ना। कोई बात ठीक है, हम फिर आएंगे शाइनी। बाय। तुम इतने उदास क्यों हो शाइनी? पापा मेरे दोस्त चले गए। उन्हें तो घर जाना ही था, है ना? लेकिन पापा वो घर इसलिए चले गए क्योंकि मेरा गेम रुक गया था। ये फालतू गेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी गेम के लिए तुम्हारे पास आए थे। अब चलो, मैं तुम्हें खुश करता हूँ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक खास किस्म के कबूतर ने जन्म लिया। वो इसलिए खास था क्योंकि उसके जन्म के वक्त उसके सिर पर एक चमकदार हीरा जड़ा हुआ था, और बहुत जल्द ये बात सभी पक्षियों में फैल गई। दूर दूर से पक्षी उसे देखने के लिए आने लगे और उन्हें इस खास किस्म के सिर पर ताज्जुब होता। जैसे जैसे स्पार्कली बड़ा हुआ, हाँ उसका यही नाम था, अपने आप ही उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। सभी उसके इस खास किस्म के तोहफे में रुचि रखते थे और स्पार्कली को भी इसे दिखाने में मजा आता था। हे स्पार्कली, फिर से वो ट्रिक करो ना प्लीज। हाँ स्पार्कली, प्लीज प्लीज एक बार फिर करो ना। ठीक है, मैं सूरज की रोशनी में खड़ा होता हूँ, तुम वहाँ खड़े हो जाओ। वाह, क्या बात है स्पार्कली, तुम तो बहुत कमाल के हो। शुक्रिया, चलो अब कुछ खेलते हैं। हाँ। और तभी एक दिन बहुत ही दुखद घटना हुई। स्पार्कली, तो तुम यहाँ हो, तुम कितने तेज हो। रुको, ये क्या हुआ? तुम्हारा हीरा कहाँ है? पता नहीं कहाँ गया, शायद गिर गया। इसका मतलब तुम अब हमें अपनी ट्रिक दोबारा नहीं दिखा पाओगे? ये कैसे हो सकता है, इसका हीरा तो खो गया। तब तो ये बोरिंग होगा, लेकिन मैं तो अभी भी तुम्हारा दोस्त हूँ, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन अब हमें जाना होगा। लेकिन रुको। और फिर वो स्वार्थी पक्षी कभी वापस नहीं आए। वो तो हीरे में रुचि रखते थे, उन्हें स्पार्कली में जरा भी रुचि नहीं थी। वैसे भी ऐसे मतलबी दोस्त किसे चाहिए, उन्हें जाने दो। लेकिन देखो, तुम्हारा एक सच्चा दोस्त वापस आ गया है, दरवाजे पर देखो। शाइनी, क्या तुम बाहर आकर मेरे साथ खेलोगे? हाँ जरूर, जरा रुको राजू, हम आ रहे हैं। ये हॉर्टिकल्चरल गार्डन क्या होता है पापा? ये ऐसा गार्डन होता है जिसमें अलग अलग तरह के पौधे लगे होते हैं, साथ ही अलग अलग किस्म के फल और फूल। मुझे फूल पसंद है और मुझे फल। वैसे तुम्हें ये दोनों चीजें यहाँ मिल जाएंगी, बहुत सारी हैं। कितने सुंदर फूल हैं। पापा मेरी फोटो खींचो, हम माँ को दिखाएंगे। तो ठीक है, चलो खड़ी हो जाओ। पापा देखो कितना अजीब सा पौधा है ये। क्यों? ये तो बैम्बू है बेटा। लेकिन ये कितना अजीब है, ना फूल है ना फल है, बिल्कुल बेकार। हाँ पापा, उन्होंने सारी जगह इस बेकार से बैम्बू के लिए खराब कर दी। ओहो, तुम बच्चे तो बिल्कुल उदास बैम्बी की तरह बातें कर रहे हो। उदास बैम्बी, वो कौन है? तुम बैम्बी को नहीं जानते? तो ये कहानी सुनो। ये कहानी सुनेंगे। बहुत पहले की बात है, एक जंगल में एक छोटा सा बैम्बू का पौधा था। वो बहुत ही प्यारा था और सभी बड़े बैम्बू के पेड़ उससे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम रखा बैम्बी।
सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे, पर फिर भी वो खुश नहीं थी। क्या हुआ बैम्बी, आजकल तुम बहुत दुखी रहती हो? ओ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई तो बात जरूर है। बताओ बैम्बी, क्या पता हम कुछ मदद कर सकें? नहीं, तुम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो रहो परेशान। मैं किसी काम की नहीं हूँ। क्यों, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? जरा देखो मुझे, जंगल के दूसरे पौधों की तरह ना तो मुझ पर फूल आता है और ना ही कोई फल। वो बहुत सुंदर हैं। कीड़े मकोड़े अक्सर उनके पास आते हैं, मुझे मिलने कोई नहीं आता। तो क्या ये है तुम्हारी परेशानी? मेरी तो शाखाएं भी नहीं हैं। मैं तो बस एक सीधी लाइन की तरह बढ़ती ही रहूंगी हमेशा, बस और कुछ भी नहीं। इसमें क्या मजा है? मैं बिल्कुल बेकार हूँ, बेकार। ठीक है, मैं समझता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, लेकिन तुम कल दोपहर तक इंतजार करो। जब स्कूल से वापस आते बच्चे यहाँ से गुजरेंगे, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? तुम्हें पता चल जाएगा। वो बैम्बू का बाग स्कूल को जाने वाले रास्ते पर ही था। हर दोपहर बच्चे उसी रास्ते से घर वापस जाते थे। वो देखो, उन बच्चों को देखो, वो इधर ही आ रहे हैं। देखो उस बच्चे के हाथ में क्या है? वो तो एक किताब है। बिल्कुल सही। और तुम्हें पता है किताबें कैसे बनती हैं? कागज से। और कागज किससे बनता है? हमसे। कागज बनता है बैम्बू से। और इन किताबों में सारी दुनिया का ज्ञान होता है, जिसे ये बच्चे पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम हुए ज्ञान के साधन। साधन तो नहीं, लेकिन बिना कागज के। अच्छा रुको, उस लड़के को देखो। क्या तुम्हें पता है उस लड़के के हाथ में क्या है? ये तो कुछ स्टिक जैसा लग रहा है। कोई ऐसी वैसी स्टिक नहीं है, ये बांसुरी है। इससे संगीत निकलता है। वाह, ये तो बहुत सुंदर धुन है। और ये ही नहीं, लोग हमारा इस्तेमाल सुंदर फर्नीचर और सजावट के सामान के लिए भी करते हैं। यहाँ तक कि खाने के सामान भी हमसे बनते हैं। सच में? हाँ बैम्बी। तो क्या हुआ अगर हमारे ऊपर फूल और फल नहीं लगते? हमारा इस्तेमाल लंबे वक्त के लिए होता है। हमारे अंदर का ज्ञान और संगीत लंबे वक्त तक जिंदा रहता है। तो अब बताओ कि तुम बैम्बू के पेड़ के बारे में क्या सोचती हो? अरे पापा, ये तो कमाल का है। पापा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने काम आता है। हाँ, इससे पता चलता है कि दुनिया की हर एक चीज का कुछ न कुछ इस्तेमाल जरूर होता है। इस दुनिया की कोई भी चीज बेकार नहीं होती। चलो अब चलते हैं और दूसरे पौधे देखते हैं। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।